वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट 1M। आज जो मैच होगा HBW वर्सेज BHW BBL का मैच। इसमें हम लोग देखा जाता है HBW और BHW के बीच में जो प्लेइंग 11 है, पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो HBW की तरफ से देखा जाएगा तो दो विकेट कीपर खेलते हैं, एक रिचल प्रिस्ट एक आर घोष। आर प्रिस्ट जो है 9 पॉइंट के प्लेयर हैं और आर घोष 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं। और BHW की तरफ से विकेट कीपर के रूप में देखा जाएगा तो जी रेडमैन 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसमें देखा है आर प्रिस्ट जो है 155 पॉइंट एक मैच में लाए हैं, एक में 28, एक में 26, एक में 18। मीन्स किसी मैच में भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जीरो पे आउट हुए हैं चाहे पॉइंट नहीं दिए हैं। उसी तरह आपका देखा जाएगा जी रेडमैन ही जो है 28 पॉइंट, 125 पॉइंट, 52 पॉइंट। मीन्स कि अगर आप विकेट कीपर दोनों को रखते हैं, दोनों विकेट कीपर को रखते हैं, दोनों पॉइंट वाले भी प्लेयर हैं, तो आपको थोड़ा बॉलर या ऑलराउंडर कम रखना पड़ेगा। तीसरा रिचा घोष भी ऐसा नहीं है कि आपको कम पॉइंट दिए हैं, 51 पॉइंट, 61 पॉइंट, 8-9 नीचे वाले क्रम में, थोड़ा सा जो नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, इसलिए रिचा घोष का थोड़ा सा डाउटफुल है। किसी किसी मैच में रखिए, किसी किसी मैच में आप रिचा घोष को आर घोष को नहीं रख सकते हैं। फिर बैटिंग में देख लेते हैं, बैट्समैन में देखा जाएगा तो जो है HBW की तरफ से दो ही बैट्समैन खेलते हैं, एंड्रू प्रिजा एन स्टेनबर्ग। तो एंड्रू प्रिजा का देखा गया है कि अभी तक का परफॉर्मेंस जो है उतना खास नहीं हुआ है, 13 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 55 पॉइंट। 55 पॉइंट लाने के बाद भी टीम का हिस्सा नहीं बने थे, रीज़न क्या था, उस दिन मैच इनका पूरा नहीं हो पाया था। तो एक मैच में इनको आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एंड्रू प्रिजा को नहीं रख सकते हैं, 9 पॉइंट की प्लेयर हैं। फिर एन स्टेनबर्ग का देखा गया तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा कम पॉइंट करती हैं, 25, 30, 35 पॉइंट करती हैं, इनको थोड़ा डाउटफुल है, आप थोड़ा डाउटफुल में रख सकते हैं, किसी किसी मैच में रख सकते हैं, किसी किसी मैच में एन स्टेनबर्ग को नहीं रख सकते हैं। रीज़न क्या है कि जब बैट्समैन विकेट कीपर हम लोग दो ले लेंगे तो एक टीम से जो है बैट्समैन वुमेन तीन खिलाना है, तीसरे के हम लोग देखेंगे ए बोस, एल केमिचे, जी बॉल, और थोड़ा कम पॉइंट का लेंगे क्योंकि जी रेडमैन भी 9.5 पॉइंट के हैं, रिचल प्रिस्ट भी 9 पॉइंट के, तो थोड़ा कम पॉइंट का भी हम लोग को प्लेयर लेना है। फिर आते हैं ऑलराउंडर में देखा जाएगा निकोल करी 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, अपने अनुरूप, अपने पॉइंट के अनुरूप और अपने नाम के अनुरूप थोड़ा प्रदर्शन फीका रहा है, पहले मैच में 12 पॉइंट, दूसरे में 51 और 83 लाए हैं, तीसरे मैच में 24, लेकिन इनको आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डाउन ही या ओपनिंग का 4 ओवर का स्पेल भी पूरा करती हैं, बैटिंग भी करती हैं, मीन्स की एंड क्वेरी जो है आपको कंप्लीट पैकेज है, आपको हमेशा विकेट और रन दोनों देंगी। एस मोलनी, सासा मोलनी का देखा गया 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, ये भी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन आप जो है सासा मोलनी को अपनी टीम में नहीं रखिएगा क्योंकि जब विकेट कीपर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑलराउंडर को थोड़ा कम करना जो है अपने पॉइंट के मुताबिक उससे ज़्यादा बढ़कर इन्होंने दिया है। जैसे 8 पॉइंट के ही प्लेयर हैं, 35 पहले मैच में, दूसरे मैच में 22, तीसरे मैच में 152 पॉइंट। मीन्स कि इनके बॉल को थोड़ा सा समझना, और बैटिंग तो भी इनका आता नहीं है, तो मेरे ख्याल से आर जॉनस्टन को किसी किसी मैच में रखिएगा। रीज़न क्या है कि इस मैच में पिछले मैच 152 दिए हैं पॉइंट, तो मेरे ख्याल से इस मैच में ये ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट देंगे और ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं अपने आर जॉनस्टन को अपनी टीम में डाउटफुल के रूप में रखूँगा। फिर अब बॉलर करते हैं, HBW का बॉलिंग लाइनअप थोड़ा अच्छा है बशर्ते किसी भी टीम का। इसमें देखा जाए तो एम स्टोन जो 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, प्रत्येक मैच में कुछ अच्छा पॉइंट करती हैं, पहले मैच में नहीं किया था, दूसरे मैच में 102, तीसरे मैच में 66, चौथे मैच में उनको बॉलिंग नहीं, बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया था पूर्णतः, इसलिए इनका 4 पॉइंट है, लेकिन इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, आपको किसी भी मैच में आपको कभी भी आपको मैच जितवा सकते हैं। टी बेलमिनी का जो देखा गया है 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, अभी तक जितना पॉइंट चाहिए उतना पॉइंट नहीं लिए, एक विकेट लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो आप टी बेलमिनी, बी बखारवे या ए स्मिथ, इस तीन में से किसी भी एक प्लेयर को खिलाइएगा, आपको उतना ही पॉइंट देंगे जितना ड्रीम टीम का हिस्सा होगा, तीनों कोई ड्रीम टीम में हिस्सा नहीं आएंगे। जो मान लिया कि मैंने टी बेलमरी को रखा या बी बखारवे को रखा, एक कैच पकड़ लेंगे या बोल्ड कर देंगे तो वो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो आपका HBW का ये आपका प्लेयर तैयार हुआ। अब हम लोग BHW की तरफ से चलते हैं। BHW की तरफ से मैंने पहले वाला भी विकेट कीपर जी रेडमैन ही ओपनिंग करते हैं, बहुत अच्छा साझेदारी करते हैं, तो आपके वो एक टीम प्लेयर रहेंगे। बैटिंग लाइनअप में देखा जाएगा तो बैटिंग में हम लोग ने एंड्रू प्रिजा को रखा है, स्टेनबर्ग को डाउटफुल में रखा है, तो दो हमको बैट्समैन लेना है, बैट्सवुमेन लेना है। तो बैट्सवुमेन में देखा जाएगा तो ए बोस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए, एल की मैंची भी नहीं किए हैं, जी बॉल थोड़ा बहुत की है, और ई जॉनस्टन, मीन्स कि आपके ये 2 से 5 प्लेयर, इसमें से आप कोई भी 2 प्लेयर को आप अपने टीम में रख सकते हैं, किसी भी प्लेयर को, ऐसा नहीं कि मैंने ए बोस्ट को लिया, जी बॉल को लिया, किसी भी 2 प्लेयर को आप रख सकते हैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को। अब आता है ऑलराउंडर में देखा जाएगा तो इनके तरफ से जे जॉनसन जो है
ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी करते हैं, 4 ओवर का कोटा भी पूरा करते हैं, जिसके कारण जे जॉनसन अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं और प्रत्येक मैच में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, मीन्स की टीम में हिस्सा बनते हैं और प्लस ज़्यादा ही पॉइंट देते हैं। तो ये आपके कैप्टन के भी प्रबल दावेदार हैं, जे जॉनसन कैप्टन के प्रबल दावेदार। इधर से थोड़ा बहुत रिचल पिस्ट हैं, लेकिन पूर्णतः रूप से आपको जे जॉनसन कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। उसी तरह ऑलराउंडर के रूप में देखा जाए जी हैरिस भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इस मैच में मेरे ख्याल से जी हैरिस भी आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये 2 ऑलराउंडर आपके इधर से हो जाएंगे और इधर से आपके एक है जो है निकोल कैरी को आप लोग ड्रीम टीम में रखेंगे ऑलराउंडर के रूप में। फिर अपना बॉलिंग लाइनअप इसका थोड़ा सा वीक है। एंडी क्लार्क ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं जो किसी भी मैच में आपको पॉइंट नहीं दिए हैं, तो एंडी क्लार्क को तो आप हटा ही दीजिएगा। अब बॉलिंग देखा जाए पूनम यादव को ऐसा थोड़ा इतना स्लो बॉल करते हैं कि इनके बॉल में मारने के चक्कर में विकेट मिलता है और इस वक्त बॉलिंग करने आती हैं, जिसमें कि आपका अगर ऊपरी क्रम का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था फिर भी विकेट मिलता है। तो ये 3 में से आप किसी एक या 2 को आप बॉलिंग रख सकते हैं, क्योंकि हमको 3 बॉलर रखना ही है। तो एक एम एस स्टोन हो गया, एक इसमें से टी वे कारवे, बी वे कारवे, ए स्मिथ, टी बेलमेनिक, बी वे कारवे, ए स्मिथ में एक बॉलर को रख लेंगे और इन 3 में से एक या 2 बॉलर को रख के हम लोग अपना टीम बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग विकेट कीपर 3 विकेट कीपर से 2 विकेट कीपर रखेंगे अपनी टीम में, इसलिए हम लोग को बॉलर ऑलराउंडर कम करके खिलाना है। तो HBW और BHW के बीच में जो करके हम लोग का ड्रीम 11 जो तैयार हुआ है, इसमें 2 विकेट कीपर रिचल प्रेश, जी डेडमैनी, ये दोनों में से दोनों को रख सकते हैं या किसी मैच में एक प्लेयर को भी खिला सकते हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों प्लेयर को रखिएगा, दोनों ही विकेट कीपर बहुत ही अच्छा है और दोनों ही कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि दोनों का स्कोर जो रहता है पावर प्ले में कोशिश रहता है कि कम से कम 50-60 रन का योगदान दे दें और ज़्यादा मारने के चक्कर में आउट होते हैं, तब तक ये अपना ड्रीम टीम का और कैप्टन का दोनों का प्रबल दावेदार के रूप में दावेदारी पेश कर चुके होते हैं। फिर बैट्समैन में मैंने ये रखा है 3 बैट्समैन, एमडू प्रीज आपके एक टीम में रहेंगे, ए बोस, एल किमेंचे, एन स्टेनबर्ग, जी बॉल और ई जॉनस्टन में से 2, मीन्स कि 4th और 5वां नंबर में 2 बल्लेबाज किसी को भी रखिएगा, आपको 24-25-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये आपके इसमें से जो भी है एमडू प्रीज किसी मैच में कैप्टन बनाइएगा, लेकिन बाकी ये दोनों में से कोई कैप्टन के दावेदार नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग का ऑलराउंडर में मैंने जब 2 विकेट कीपर लिया है तो 4 ऑलराउंडर को आप नहीं खिला सकते हैं, अगर 2 विकेट कीपर लिए हैं तो 4 ऑलराउंडर नहीं खिला सकते हैं, इसलिए मैंने निकोल करी, जे जॉनसन और जी हैरिस, ये तीनों ही आपके बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और पॉइंट भी ज़्यादा लगता है और ये तीनों ही ज़बरदस्त कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। अब मान लीजिए जे जॉनसन अलग टीम से हैं तो निकोल करी अलग टीम से हैं, तो दोनों को अलग अलग टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, ये नहीं कि जी हैरिस और जे जॉनसन एक टीम के हैं तो दोनों को ही कैप्टन बना देते हैं। अगर किसी मैच में मान लीजिए रिचल प्रीस्ट या आर रेडमैन को नहीं खिलाते हैं तो आर जॉनस्टन जो 4th ऑलराउंडर हैं उनको भी आप खिला सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ये दोनों को ही रखिए, लेकिन एक आध मैच में आप आर जॉनस्टन को भी खिलाइएगा। फिर बॉलिंग आता है, बॉलिंग में एम स्टोनो तो है ही आपके 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, इनको आपको प्रत्येक टीम में रखना है। अब ये 10 और 11 में जो हैं आपके 6 हैं, मीन्स कि ये 2 प्लेयर इस 6 में से आप 2 प्लेयर किसी को खिलाइएगा। ये ऐसे बॉलर हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेट ले सकते हैं, आपको 3-4 विकेट नहीं ले आ सकते हैं। आपको जो भी विकेट दिलाएंगे जॉनसन, एनकॉरी और जी हैरिस मेनली रूप से पॉइंट भी दिलाएंगे। इसमें से देखिएगा जे प्रेस्टिज, एन हैंकॉक, पूनम यादव, टी बेलमेनिक, बी बखारवे, ए स्मिथ, इसमें से सारे करीब करीब अगर एक एक विकेट मिलता है तो समझ सकते हैं कि आपको 6 विकेट मिलेगा, तो 6 ड्रीम टीम के हिस्सा नहीं बनेंगे, या तो 2 बनेंगे या तो 3 बनेंगे। तो आपको ये दोनों में से ही 2-6 प्लेयर में से सिर्फ 2 बॉलर को अपने टीम में रखना है। इस तरह से तैयार किया गया है जो ये ड्रीम टीम जो है 100 पॉइंट के अंदर में है, क्योंकि हम लोग का अगर निकोल करी ज़्यादा पॉइंट के हैं, एमडू प्रीज, रिचल प्रेस्ट, जी रेडमैनी हैं, तो आपके ये दिखेगा ये 2 बैट्समैन हैं ए बोस, एल के मची, ये कम पॉइंट के बैट्समैन हैं। और बॉलर भी आप देखिएगा 2 बॉलर जो है कम पॉइंट के प्लेयर बॉलर हैं। इस तरह से आपका जो है 100 पॉइंट्स के अंदर में ये टीम तैयार हो जाएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन का हो गया है, जैसे निकोल करी बनाया, जे जॉनसन को बनाया, जे जॉनसन को बनाया, निकोल करी बनाया, जे जॉनसन को बनाया, रेडमैनी को बनाया, एक मैच में ये दोनों विकेट कीपर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देंगे, या एमडी प्रीज को बनाए हैं तो आप एम एस्टोनो को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देंगे, क्योंकि एम एस्टोनो भी एक कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। इस तरह से बना के आप अपना टीम जो है ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग ये दोनों आप जीत सकते हैं इसी टीम में से। अब कोशिश रहेगा कि ऑलराउंडर कैप्टन तो आपका विकेट कीपर वाइस कैप्टन, ऑलराउंडर कैप्टन तो ऑलराउंडर वाइस कैप्टन, सेम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाइएगा, जब भी बनाइएगा विपक्षी टीम का बनाइएगा। अगर HBW का कैप्टन है तो BHW का वाइस कैप्टन बना के आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।